ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे कई विद्यार्थी अपनी पढ़ाई के साथ ही इंटर्नशिप्स और जॉब अपॉर्चुनिटीज में इन्वॉल्व हो गए हैं। अभी कई स्टूडेंट्स हैं जिनको अच्छे प्लेसमेंट ऑफर्स मिल गए हैं। ऐसे ही मेरे एक विद्यार्थी हैं मिस्टर नितिन पोद्दार। ये अभी हमारे यूनिवर्सिटी में, ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी में BBA प्रोग्राम कर रहे हैं। BBA प्रोग्राम अभी इनका पूरा नहीं हुआ है, अभी 6 महीने बाकी हैं, लेकिन इनको अपॉइंटमेंट मिल चुका है और अभी ये बाइजू कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं। इनके ही मुंह से सुनते हैं इनके काम के बारे में। तो आप बताएंगे मुझे, आप क्या कर रहे हैं अभी बाइजू? गुड आफ्टरनून सर, हम अभी मार्केटिंग का जॉब कर रहे हैं बाइजूज में, जिसमें कि कोर्स सेल करना होता है। तो इसका जो है कोर्स ज़्यादा कॉस्टली है थोड़ा, लेकिन पेरेंट्स लोगों को समझाना होता है कि कैसे उनके बच्चे जो है वो समझ पाए कोर्स के बारे में। तो वो पेरेंट्स को समझाते हैं और जितना भी सेल करते हैं उसके अनुसार कमीशन हमें मिलती है। और हमने 2 महीने में 56,000 रुपये कमाया है इससे। और आप कहाँ से, घर से काम कर रहे हैं अभी? हाँ, अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। हाँ। और उन HR से बात हुई है मेरी, वो बोले कि BBA जब कंप्लीट हो जाए तब आप बेंगलोर में आके पोस्टिंग कर सकते हैं। तो जैसे ही इनका 6 महीने बाद जैसे ही इनका BBA कंप्लीट होगा, बाइजू में इनको प्रमोशन के साथ बेंगलोर में पोस्टिंग मिल जाएगी। इनके पेरेंट्स के ख्वाब भी पूरे हो जाएंगे और इनको अपनी ड्रीम जॉब तुरंत मिल जाएगी। इन्होंने अपना समय जाया नहीं किया, इन्होंने तुरंत BBA करते हुए ही एक अच्छी कंपनी में अप्लाई किया, इंटरव्यू दिया, हमारे यहीं यूनिवर्सिटी में कैंपस प्लेसमेंट में पार्टिसिपेट किया और एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी को क्रैक कर लिया, पकड़ लिया। ये बात मैं आपके साथ में क्यों चर्चा कर रहा हूं, क्योंकि मैं कई युवाओं को देखता हूं, वो काम नहीं करते। काम करेंगे तभी आप सीखेंगे, वो सिर्फ सोचते रहते हैं, सपने देखते रहते हैं, इतने पैकेज मिलेगा, 10 लाख का पैकेज मिलेगा, 20 लाख का पैकेज मिलेगा, तब मैं नौकरी करूंगा, छोटे मोटे काम मैं करूंगा नहीं, छोटी मोटी कंपनियों के लिए मैं ट्राई नहीं करूंगा, वेट कर गवर्नमेंट कंपटीशन के लिए तैयारी करता रहूंगा, भले 5 साल 10 साल 15 साल बीत जाए। उनके लिए ये एक उदाहरण है, ये एक उदाहरण के रूप में मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। ये भी चाहते तो वेट कर सकते थे, लेकिन इन्होंने एक सही रास्ता चुना, अपनी पढ़ाई के दौरान ही कैंपस प्लेसमेंट में पार्टिसिपेट करके एक ग्रोइंग कंपनी के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन कर लिया। और अब जैसे जैसे समय बीतता जाएगा इनको प्रमोशन मिलते जाएंगे, तरक्की मिलती जाएगी और इसके बेस पर इनका पैकेज भी बढ़ता जाएगा। और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ इनको ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती जाएगी कंपनी में। अभी ये स्वयं मार्केटिंग और सेलिंग का काम कर रहे हैं, कल जैसे इनका BBA कंप्लीट होगा इनके अंडर में एक टीम होगी, उस टीम को ये गाइड करेंगे और एक टीम लीडर के रूप में काम करेंगे, मार्केटिंग सुपरवाइजर के रूप में काम करेंगे। तरक्की ऐसे ही मिलती है। अगर आप खुद फील्ड में काम नहीं करना चाहते, सेल्स में काम नहीं करना चाहते, आपको तरक्की नहीं मिल सकती। यू मस्ट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, जीरो से शुरुआत करनी चाहिए और ये सपने नहीं देखने चाहिए कि हमको तो CEO की या जनरल मैनेजर की पोस्ट मिलेगी तभी हम नौकरी करेंगे, ऐसे नहीं होता। ये आप सभी युवाओं को मेरा अनुरोध है, आप सभी जीवन के प्रति अपना नजरिया बदलें, अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना शुरू करें और एक बेहतरीन करियर बनाने के लिए कृपया नितिन पोद्दार की तरह आप लोग भी कॉरपोरेट सेक्टर के अंदर एंट्री करें, मेहनत करें, रिजल्ट दिखाएं और फिर कंपनीज आपको बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज देगी और प्रमोशंस मिलेंगे और तरक्की के रास्ते खुलेंगे। शुभकामनाएं।